तुझे पता है सिद्धि मेरे साथ आने के लिए राजी हो सकती है क्योंकि वो विनायक के साथ खुश है ही नहीं और मैंने सुना उसको उसको कोई दूसरा साथी चाहिए। अरे रुक रुक जरा ठहर जा। वो तेरे साथ आने के लिए राजी हुई मतलब क्या? हाँ वो कोई भेड़ बकरी है? अरे नहीं माँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना और अगर ऐसा ही चलते रहा ना, उसने उसे ज्यादा तंग किया ना, तो वो दूसरी शादी कर लेगी। अच्छा तो ये सिद्धि के प्लान का हिस्सा था। अकल की बहुत तेज है ये नकचढ़ी लड़की। क्या हुआ, क्या सोच रही है? नहीं मतलब अच्छी बात है, खुशखबर है ये, लेकिन क्या है ना, तुझे जाके शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए और तुझे अपनी बात इतने प्यार से रखनी है कि वो मना कर ही ना पाए। तेरी भाषा में उसे पटाना है, समझ लगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जानती है मैं क्या बात करूंगा। मैं हाथ पैर तोड़ सकता हूँ, हाथ पैर जोड़ नहीं सकता किसी के सामने। अरे बुद्धू चला बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ उनकी क्या बोलना है। तू बोलना कि तू अपने छोटे से दिल में जहां भर के दर्द समेटे बैठी है, मुझे अंदाजा ही नहीं था, लेकिन मैं वो दर्द पी जाना चाहता हूँ और तुम्हारे दिल में इतनी खुशियां भर देना चाहता हूँ कि तू अगर किसी दुखियारे पर अपनी नजर भी डाले ना तो वो मुस्कुरा दे, समझ लगा? नहीं समझ ला। क्या बोल रही है तू? अच्छा तू वो छोड़, ये ले, तू बस ये अपने कान में लगा ले और सब कुछ मुझ पे छोड़ दे कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ठीक है? हो गया कि विनु शूट पर चला गया, अब इसका फायदा उठाकर रुद्र यहां जरूर आएगा। देखते हैं इस ड्रामे का उस पर क्या असर हुआ है। माँ ये तो फिर से रो रही है। अरे तू पास जाना उसके। जा रहा हूँ, रुक जा। सिद्धि तुम फिर रो रही हो? लो अपने आंसू पोंछ लो। थैंक यू। तुम्हें पता है जो बात चार दीवारी के बीच तक थी वो तुमने सुन ली। मैं ये बात घर के बाहर किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, मगर बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने की जरूरत भी कैसे थी? और अच्छा हुआ कि मैंने ये सब सुन लिया, वरना मुझे पता कैसे चलता कि तुम्हारे दिल में क्या बात चल रही है और तुम क्या महसूस कर रही हो। मैं पता है रुद्र, ये सब ना मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वीनू ने मेरा साथ छोड़ दिया तो कौन मेरा हाथ थामेगा, कौन मुझे कहेगा सिद्धि मैं तुम्हें लाल जोड़े में देखना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाथ पकड़ उसका, जल्दी से हाथ पकड़। सिद्धि अगर मैं कहूं कि वो इंसान तुम्हारे बगल में ही बैठा है और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो उससे बोल कि हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। और हम कहीं कहीं दूर चले जाएंगे शादी करने के बाद, बहुत दूर, सबसे दूर, अपने खुद की एक दुनिया बनाएंगे। हाँ सिद्धि, अभी कुछ रोमांटिक सा बोल, रोमांटिक सा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं ही बताती हूँ। बोल, मुझे अपनी हयात में शरीक कर लो। सिद्धि, मुझे अपनी दावत में शरीक कर लो। अरे दावत में नहीं रे, दावत में नहीं, हयात में। हयात मेरा मतलब है
मुझे अपनी हयात में शरीक कर लो सिद्धि। मगर रुद्र इस सब में बहुत अड़चन आएगी। सुन सुन ऐसे बोल, जिनकी दिल में प्यार का जज्बा हो वो अड़चनों से कब डरने लगे? सिद्धि, जिनके दिल में बाजा बाजा वो किसी अड़चन से डरते थोड़े ना। बाजा नहीं, जज्बा, प्यार का जज्बा। बोल। अब मेरा मतलब है, जिनके दिल में प्यार का जज्बा हो सिद्धि, वो किसी अड़चन से डरते थोड़े ना। तो फिर बताओ कब करें शादी? बस सिद्धि, तुम्हारे हाँ कहने की देरी, तुम बस एक बार हाँ कह दो, फिर हम शादी कर लेंगे। मेरी तो हमेशा से हाँ थी, मगर तुमने समझने में देरी कर दी। मेरी गलती थी सिद्धि कि मैं तुम्हारे इशारे समझ ही नहीं पाया। मुझे लगता है हमें कल ही शादी कर लेनी चाहिए। सच? थैंक यू सो मच रुद्र, आई लव यू। आई लव यू? मेरा भी आई लव यू है सिद्धि। अब मुझे सिद्धि किसी भी हाल में मिल जाएगी। बेटी, कल के दिन तुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। शादी मुबारक हो रुद्र। आज की रात कट क्यों नहीं रही है? पता नहीं कल क्या होने वाला है। पापा, पापा प्लीज सब कुछ संभाल लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हें रुद्र की सच्चाई बता देती तो तुम उसे कभी माफ नहीं करते। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर के रिश्तों को बचाने के लिए कर रही हूँ। सिद्धि, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ मैम। बस आज शाम को सिद्धि से शादी होते ही सिद्धि मेरी हो जाएगी। माँ, आज शाम को हमको गणपति दर्शन के लिए रोशन अंकल के घर जाना है, आप भूल मत जाइएगा। अरे भूल कैसे सकती हूँ, उनके यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, दो बार फोन आ चुका है उनका। राजवीर, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? वो एक्चुअली मुझे और प्राची को शूट पे जाना है, उस प्रोड्यूसर रूपमति का फोन आया तो हम लोग आपके साथ नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, तुम शूट पे जाओ, वैसे भी हमें उस औरत को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। हम सब लोग रोशन के यहाँ जाएंगे तो घर पे कौन रहेगा? मेरा मतलब है मैं पापा को अकेले तो छोड़ना नहीं चाहती। क्या करें? माँ, एक काम करते हैं, मैं और सिद्धि यहीं रुक जाते हैं। नहीं वीनू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। अब देखो ना, पापा जी भी नहीं है टाउन में, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पापा जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और तुमने फिल्म में तो साइन की है उनकी, तुम नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल ठीक। वो बात ठीक है सिद्धि, लेकिन फिर घर पे कौन रुकेगा? मैं हूं ना वीनू।
मुझे अकेले यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है. Now the discussion is over. I'm staying. Okay. सिद्धि, थोड़ा पोहा पास करो ना. मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ कुछ घंटों का फासला रह गया सिद्धि, सिर्फ कुछ घंटों का. सिद्धि, तेरी तबीयत कैसी है? तू आना, तू भी तो बैठ के नाश्ता कर. आ इधर. ये ताई और रुद्र के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है. बस जल्दी से ये ड्रामा खत्म हो जाए तब मुझे राहत मिलेगी. ये रुद्र जिस तरह से मेरे पास आता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरा तो मन करता. किसका पास आना तुम्हें पसंद नहीं आता सिद्धि? रुद्र, मेरा मतलब है थोड़ा सा और सब्र कर लो ना. वैसे भी शादी तो हमारी होने ही वाली है, उसके बाद ये सब तो होगा ही. ठीक है, जैसा तुम कहो. और वैसे भी कुछ घंटों का ही फासला रह गया तुम्हारे और मेरे बीच, फिर उसके बाद तो हमारा एक ही बेडरूम होगा ना. सिद्धि, मुझे बहुत डर लग रहा है. सिद्धि, क्यों भाभी, डर क्यों लग रहा है आपको? सिद्धि, पिछली बार हमने चाची जी के लिए प्लान बनाया था और उन्हें पता चल गया, लेकिन मामला थोड़ी बहुत डांट फटकार के बाद खत्म हो गया. लेकिन इस बार रुद्र, लेकिन ये रुद्र तो क्रिमिनल है ना, उसने खून किया है, 10 साल जेल भी रहकर आया है. अगर उसे हमारे इस प्लान के बारे में वक्त से पहले पता चल गया तो वो तो हमें बेवक्त ही मार डालेगा. सिद्धि, मुझे लगता है कि तुम आग से खेल रही हो. भाभी, अगर इस घर के रिश्तों को आग में झुलसने से बचाना है, मुझे आग से खेलना ही होगा. और इन कोशिशों से अगर मेरा हाथ जल भी जाता है तो भी मैं ये कोशिशें करना बंद नहीं करूंगी. पापा, मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही नहीं कर रही हूँ. अपनी बीनों के साथ धोखा कर रही हूँ, शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते का मजाक बना रही हूँ. अगर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, अगर गंदगी को साफ करना है तो मुझे कीचड़ में उतरना ही होगा. बापा, मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत देना कि मैं अपनी इन सारी कोशिशों में कामयाब हो सकूं, अपने परिवार को और अपने आप को इन सारी मुश्किलों से निजात दिला सकूं. I'm gonna go to the bathroom.
वाह तुम तैयार भी हो गए, वो भी मेरी फेवरेट शेरवानी में। नॉट बैड। विनू आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, तुमसे बातें छुपा रही हूँ, लेकिन आज हमारे रिश्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ हो, मुझे प्लीज माफ कर देना विनू, प्लीज। रुद्र, तुम भी धोखा खा गई ना, तुम्हें भी यही लगा ना कि ये मैं हूं। बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है मेरा भाई। अच्छा हाँ, माँ ने ना तुम्हारे लिए ये हार भेजा है, रुक मैं पहना देता हूं। सिद्धि, अच्छा लग रहा है ना? और अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आज मेरे भाई की स्पेशल नाइट जो है। ये बात तो है। स्पेशल नाइट? हाँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरा भाई पूरी फैमिली के साथ गणपति दर्शन के लिए जा रहा है, तो हो ही ना स्पेशल नाइट। ओह, यू मीन रोशन अंकल के यहाँ पर? वैसे तुम्हें क्या लगा? अच्छा रुद्र, तू रेडी हो गया ना? हाँ, एकदम परफेक्ट। मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके आता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ। लग रहा हूं ना एकदम दुल्हे के जैसा। वैसे सिद्धि, एक बात बताना सच सच, तुम्हें ये लगा था ना कि मैं जो खड़ा था वो विन है, इसलिए तुमने मुझे एकदम से गले लगा लिया, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि ये विन का कमरा, यहाँ तो सिर्फ विन ही होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? जिस इंसान को तुम पसंद नहीं करती उसे गले क्यों लगाने आई? देखो सिद्धि, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो मुझे बता दो अभी। रुद्र, तुम पागल हो? मुझे पता था कि तुम हो, तुम्हारी खुशबू पहचानती हूँ मैं, एहसास था मुझे तुम्हारे होने का, और तुम इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है मुझ पर? अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने ये विन के नाम का मंगलसूत्र अभी तक क्यों पहना हुआ है? ये रुद्र, प्लीज थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। जैसे घर वाले बाहर चले जाएंगे ना, और मैं दुल्हन के लिबास में तुम्हारे लिए तैयार होंगी, तो मैं तुरंत इसे उतार कर फेंक दूंगी। सॉरी, मैंने एक सेकंड के लिए तुम पे और तुम्हारे प्यार पे शक किया। सिद्धि, तुम्हें पता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, क्या वो सचमुच हो रहा है? हर घड़ी एक सपने के जैसा लगता है। खुद को यकीन दिलाने के लिए शराब पी ली, खुद को चुटकियां काटी, लेकिन ये सपना टूटता ही नहीं। रुचा, ये सब कुछ सच्ची तो है, तुम भी ना अब थोड़ी देर में हम नए रिश्ते में बन जाएंगे, और सब कुछ वैसा ही होगा
जैसा कि मैंने सोचा है। आज की रात तुम्हें जिंदगी का ऐसा सबक मिलेगा जिससे तुम कभी नहीं भूल पाओगे।